दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सनी देओल की फिल्म गदर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। ये फिल्म 11 अगस्त 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई नए रिकॉर्ड्स कायम किए। आइए जानते हैं इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। सनी देओल की इस फिल्म का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 40.1 करोड़ रहा। वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 43.8 करोड़ का बिजनेस किया। तीसरे दिन फिल्म ने 51.7 करोड़ का जबरदस्त बिजनेस किया और चौथे दिन 38.7 करोड़ रहा इसका कलेक्शन। पांचवे दिन फिल्म ने सबसे ज्यादा 55.4 करोड़ कमाए। छठे दिन 32.37 करोड़ और अपने पहले हफ्ते के आखिरी दिन मूवी ने 23.28 करोड़ का बिजनेस किया। इसके साथ ही इस मूवी के पहले हफ्ते का इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 284.63 करोड़ रहा। दूसरे हफ्ते की बात करें तो अपने दूसरे हफ्ते में भी गदर 2 का गदर सिनेमा घरों में दिखा। अपने आठवें दिन फिल्म ने 20.5 करोड़ का बिजनेस किया। नवे दिन 31.7 करोड़ रहा इसका कलेक्शन। दसवें दिन की कमाई 38.9 करोड़ रही और ग्यारहवें दिन 13.5 करोड़ का बिजनेस किया। बारहवें दिन 12.1 करोड़, तेरहवें दिन 10 करोड़ और दूसरे हफ्ते के आखिरी दिन फिल्म ने 8.4 करोड़ का बिजनेस किया। फिल्म गदर 2 का दूसरे हफ्ते का इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 134.47 करोड़ रहा। फिल्म के तीसरे हफ्ते की शुरुआत भी जबरदस्त रही और फिल्म ने अपने 15वें दिन 7.1 करोड़ कमाए। 16वें दिन 13.75 करोड़, 17वें दिन 16.1 करोड़, 18वें दिन 4.6 करोड़, 19वें दिन 5.1 करोड़, 20वें दिन 8.75 करोड़ और 21वें दिन 8.10 करोड़ की कमाई करी। फिल्म का तीसरा हफ्ता भी कलेक्शन के मामले में जबरदस्त रहा और फिल्म ने अपने तीसरे हफ्ते में 63.35 करोड़ का बिजनेस किया। अपने चौथे हफ्ते में भी सनी देओल की इस फिल्म का कमाल जारी रहा और फिल्म ने अच्छे नंबर्स में कलेक्शन करते हुए अपने चौथे हफ्ते में 27.55 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। रिलीज के एक महीना बाद भी फिल्म की कमाई जारी रही। अपने 29वें दिन से 50वें दिन तक छोटे नंबर्स में कलेक्शन करते हुए फिल्म 15 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने में कामयाब रही। दोस्तों, सनी देओल की इस फिल्म ने इंडिया से अपने कुल 50 दिनों में 525 करोड़ की रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई करी। फिल्म गदर 2 का इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 525 करोड़ हुआ। वहीं इंडियन ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 619.5 करोड़ रहा। बात करें फिल्म के ओवरसीज मार्केट की तो फिल्म का ओवरसीज मार्केट ज़्यादा खास नहीं रहा और फिल्म इंडिया से बाहर केवल 63.5 करोड़ का ही बिजनेस कर पाई। लेकिन बावजूद इसके इस फिल्म के 50 दिन का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 685 करोड़ रहा और लगभग 60 करोड़ के बजट में बनी ये मूवी जहां कमाई के मामले में कई नए रिकॉर्ड्स बनाने में कामयाब रही, वहीं सनी देओल के करियर की ये अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म भी बनी।